is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसके बाद आज करीब रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। इस पर पूरी जानकारी देने के लिए मैं न्यूज रूम से हमारे साथ हमारी संवाददाता खुशबू जुड़ चुकी। खुशबू, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा राष्ट्र के नाम, ऐसे में क्या जानकारी निकल के सामने आ रही? आज रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5वां संबोधन होगा। एक बड़ी खबर आ रही है, रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। इसके पहले लॉकडाउन की घोषणा करते वक्त, यानी कि 24 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया था। लॉकडाउन 3.0 खत्म होने की कगार पे है। 17 मई को लॉकडाउन 3.0 खत्म हो जाएगा। ऐसे में आकलन लगाया जा रहा है, क्या लॉकडाउन 3.0 को बढ़ा के 4.0 कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है इकोनॉमिक कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। लोग आकलन लगा रहे हैं क्या होने वाला है इस बार लॉकडाउन का। देश के प्रधानमंत्री रात 8 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं, क्या लॉकडाउन को फिर एक बार बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। अभी कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हुए उनसे कहा था कि आप लॉकडाउन के ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाएं, 15 मई को उस स्ट्रेटजी के ऊपर चर्चा की जाएगी। आकलन लगातार लगाया जा रहा है, क्या लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा, क्या लॉकडाउन 3.0 को बढ़ा के 4.0 कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर पीएमओ ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके दी है। आज रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे, क्या इस बार लॉकडाउन को फिर बढ़ाया जाएगा, क्या लॉकडाउन 3.0 को 4.0 में तब्दील कर दिया जाएगा। इस बात का सभी को इंतजार है। तो आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा राष्ट्र के नाम, इस पर क्या अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश भर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की। उस बैठक के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन को थोड़े वक्त के लिए और बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें, कुल 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन को बढ़ाने की तरफदारी की है। वही मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाना काफी इफेक्टिव साबित होगा, और ऐसे में इस बैठक के बाद ये संकेत भी मिल रहे हैं कि लॉकडाउन 4.0 हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, अगर लॉकडाउन 4.0 होता है तो काफी रियायत यानी ढील दिए जाने के संकेत नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच आज से स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है। ऐसे में स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों के द्वारा सफर करने वालों को सबसे बड़ी परीक्षा रेलवे स्टेशन पर देनी होगी। यात्री जिस स्टेशन से सफर शुरू करेंगे वहां तो स्क्रीनिंग से गुजरना ही होगा, लेकिन गंतव्य पर पहुंचने पर असल परीक्षा का सामना करना होगा। उन्हें अपने अपने राज्यों के मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, और ऐसे में उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भी रहना पड़ सकता है। वही रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर साफ तौर पर कहा है कि इन ट्रेनों के गंतव्य पर पहुंचने के बाद यात्रियों को संबंधित राज्यों के हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रालय ने ट्वीट कर यात्रा करने वालों को सलाह दी है कि ऐसे सभी पैसेंजर गंतव्य राज्यों के नियमों को जान लें। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक स्पेशल ट्रेनों से पहुंचने वालों के लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं जारी की है। सामुदायिक संक्रमण फैल रहा है या नहीं, अब राज्य सरकार इसकी पड़ताल कर सकती है। आपको बता दें, हर जिले से 800 नमूनों की जांच की जाएगी। कोरोना की सामुदायिक संक्रमण की पड़ताल करने के लिए तैयारी में राज्य स्तर पर शुरू हो गई है। साथ ही राज्य सरकारों ने जिला प्रशासन को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि हर सप्ताह एक जिले में कम से कम 200 नमूने एकत्रित किए जाए। फिलहाल नमूनों की प्रक्रिया कब से शुरू होगी इस पर अभी संशय बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ऑनलाइन कक्षाओं से छोटे बच्चों की सेहत खराब हो रही है। जी हां, गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने छोटे कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई बंद कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि छोटे बच्चों पर मोबाइल से प्रेशर डाला जाएगा तो वो बीमार हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कक्षा 3 तक ऑनलाइन क्लास को बंद किया जाएगा।
वहीं गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी विवेक त्यागी ने डीआईयूएस को शिकायत पर कहा है कि छोटे छोटे बच्चों की ऑनलाइन कक्षाओं को तत्काल बंद कराया जाए। उन्होंने कहा कुछ पेरेंट्स लगातार शिकायत कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों की कक्षाएं संचालित कराई जा रही है। वहीं कुछ स्कूल प्रशासन द्वारा फर्स्ट क्लास के बच्चों को मंगलवार से ऑनलाइन क्लास शुरू करने का मैसेज भी भेजा गया है, जिसको लेकर अभिभावक चिंतित है। कुछ दिन पहले भी छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद कराने की अपील की गई थी। लॉकडाउन में जगह जगह फंसे लोगों को राहत देने के लिए नई दिल्ली से 15 मुख्य स्टेशनों के लिए स्पेशल एसी ट्रेनों का आज से सफर शुरू हो रहा है। कुछ ट्रेनें मंगलवार तो कुछ बुधवार और कुछ बृहस्पतिवार से शुरू होंगी। आज से शुरू होने वाली सभी 30 ट्रेनों की समय सारणी रेल मंत्रालय की तरफ से जारी कर दी गई है। नई दिल्ली से हावड़ा के लिए प्रतिदिन ट्रेनें चलेंगी। 12 मई को हावड़ा से शाम 4:50 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। नई दिल्ली से यह ट्रेन शाम 4:55 पे चलेगी और हावड़ा अगले दिन सुबह 9:55 पर पहुंचेगी। वहीं आसनसोल जंक्शन, धनबाद, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल पर दोनों दिशाओं में ये ट्रेनें रुकेगी। बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.